I think you have to be prepared to cry because it's extremely sad, but it's sad in a way that you feel for a lot of. जैकलिन करना चाहती है सुसाइड और नहीं सह सकती सोशल मीडिया पे ट्रोल. क्या है पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में पूरा बने रहे. पिछले साल के दिसंबर महीने पे सुकेश चंद्रशेखर को ईडी ने पकड़ा था 200 करोड़ के धोखाधड़ी के लिए. सुकेश ने एक नामी उद्योगपति से 200 करोड़ का एक्सटॉर्शन लिया था. उसी केस में ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर का पूरा ट्रांजैक्शन चेक किया. हर ट्रांजैक्शन का जब बारीकी से हिसाब होने लगा था बातों बातों में बाहर आ गया जैकलिन का नाम. सुकेश ने जैकलिन को 10 करोड़ का गिफ्ट दिया था. सुकेश के साथ था जैकलिन का काफी सालों से रिश्ता. सुकेश ने जैकलिन को काफी सारे गिफ्ट दिया था जिसमें था 5 करोड़ का आलीशान बंगला जो था हैदराबाद में और एक 3 करोड़ का BMW 7 सीरीज कार टॉप मॉडल और कुछ ज्वेलरी. जैकलिन को जब इस बारे में ईडी ने पूछा जैकलिन ने तब साफ साफ मना कर दिया. लेकिन जब सुकेश और जैकलिन का क्लोज फोटो सोशल मीडिया पे हो गया वायरल तब जैकलिन हो गया चुप. जैकलिन को अपना संपत्ति का हर हिसाब दिखाना पड़ा ईडी को. अगर जैकलिन सही से नहीं दिखा पाते हर हिसाब तब उनको भी जाना पड़ सकता था जेल. लेकिन मैटर को हो गया था काफी दिन इसीलिए धीरे धीरे मैटर हो गया था शांत. जैकलिन भी धीरे धीरे आ रही थी अपनी नॉर्मल जिंदगी के वापस. लेकिन आज 2022 जनवरी महीने में फिर से जैकलिन और सुकेश के एक क्लोज फोटो हो गया वायरल. इस फोटो पे जैकलिन के कंधे पे एक लव बाइट का निशान साफ दिखाई दे रहा है. इस बार भी जैकलिन को सोशल मीडिया पे किया जा रहा है जमकर ट्रोल. जैकलिन के करीबी ने स्टेटमेंट दिया है जैकलिन इतना डिप्रेस हो गई थी जैकलिन करनी चली थी सुसाइड. जैकलिन ने एक प्राइवेट इंटरव्यू में सबसे गुजारिश किया है आप लोग इस मैटर को ज्यादा मत उछालिए तब मेरे लिए जीना हो जाएगा मुश्किल. सो गाइस आप लोगों को जैकलिन की इस बोल्ड डिसीजन के बारे में क्या कहना है प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स.